फिल्म की कहानी शुरू होती है एक पुलिस स्टेशन से जो लगभग खाली ही पड़ा होता है। इस जगह दो पुलिस वाले होते हैं जो मारवा मुनसन को ये तसल्ली दे रहे होते हैं कि आपकी कंप्लेन हमने लिख ली है। मारवा मुनसन की कंप्लेन इतनी छोटी और अनइम्पॉर्टेंट होती है कि ये दो पुलिस वाले उनसे झूठ कह देते हैं। इस फिल्म की कहानी मारवा मुनसन के इर्द गिर्द घूमती है। मारवा एक एल्डरली विडो है जो जितनी अच्छी और भोली है उतनी जुबान से तीखी भी है। वो अपने बड़े से घर में अकेली ही रहती है, साथ में है तो एक बिल्ली जिसका नाम पिकल्स होता है। स्टेशन से घर आने के बाद जब मिसेस मुनसन हॉल में होती है तब घर की दरवाजे की डोर बेल बजती है। दरवाज़ा खोला जाता है और कहानी में चार चांद लगाने आ जाते हैं प्रोफेसर, जिनका पूरा नाम होता है गोल्डवेथ हैगिनसन टॉर, पर हम इन्हें प्रोफेसर ही बोलेंगे क्योंकि कहानी का हर कैरेक्टर इन्हें पूरी कहानी में प्रोफेसर ही बुलाता है। प्रोफेसर यहाँ इसलिए आए होते हैं क्योंकि मारवा मुनसन ने न्यूज़पेपर में एक ऐड दिया था जिसमें रूम रेंट पर देने की बात की थी। प्रोफेसर बड़े ही प्यार से बात करने लगते हैं, पर तभी वो बिल्ली जिसका नाम पिकल्स है वो घर के बाहर निकलती है और पेड़ पर चढ़ जाती है। मारवा प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करती है कि तुम पेड़ पर चढ़ो और पिकल्स को नीचे ले आओ। प्रोफेसर इस काम को करने से हिचकिचाते हैं, पर जब मारवा ये कहती है कि उन्हें हर बार की तरह पुलिस की मदद लेनी होगी तब प्रोफेसर के चेहरे पर हमें थोड़ी टेंशन देखने को मिलेगी। वो पिकल्स को नीचे उतारते उतारते उस पेड़ से गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। एनीवे प्रोफेसर की आंख घर के अंदर खुलती है। मारवा उन्हें फर्स्ट फ्लोर पर बने रूम को दिखाती है, पर प्रोफेसर का इंटरेस्ट थोड़ा अलग है। वो ये कहते हैं कि वो एक म्यूजिशियन है जो एक स्टेज शो करने वाले हैं बहुत ही जल्द, इसलिए उन्हें एक शांत जगह की ज़रूरत होगी प्रैक्टिस करने के लिए। मारवा प्रोफेसर को उनकी प्रैक्टिस के लिए एक अंडरग्राउंड स्टोरेज में ले जाती है जहाँ की दीवारें तक अभी ठीक से बनी नहीं होती। प्रोफेसर इस जगह को देखकर कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहे होते हैं। ऐसा क्यों है वो बस आपको थोड़ी ही देर में पता चलने ही वाला है। मारवा मुनसन की कई अच्छी आदतों में से एक आदत ये भी है कि वो कुछ पैसा हर महीने एक यूनिवर्सिटी में दान करती आई है। एनीवे ये बात थोड़ी इम्पॉर्टेंट थी इसलिए बता दी। प्रोफेसर ये रूम रेंट पर ले लेते हैं और फिर हम एक एक कर उनके ग्रुप के मेंबर से मिलते हैं। पहला है गेविन जो कसिनो में काम करता है, दूसरा है गार्थ जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है जैसे कि सेट डिज़ाइन और टेक्निकल एक्सप्लोजन, अगला है जनरल, इन्हें सब इसी नाम से जानते हैं और ये एक शॉप ओनर है, और आखिर में आता है लंप जो मेंटली रिटार्डेड है और साथ ही वो एक रग्बी प्लेयर भी होता है। ये चार लोग प्रोफेसर के साथ अगले दिन घर पर आते हैं। मारवा इन्हें स्टोरेज रूम में प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। दरअसल प्रोफेसर और उनके फेलो मेंबर्स कोई म्यूजिकल ग्रुप नहीं बल्कि चोर हैं। ये पांच लोग उस कसिनो में चोरी करने आए हैं जहाँ गेविन काम करता है। उस कसिनो का सारा पैसा एक अंडरग्राउंड तिजोरी में रखा जाता है और ये तिजोरी उस घर के पास बनी है जहाँ ये लोग अभी खड़े हैं, यानी कि मारवा मुनसन का घर। अब होता यह है कि ये लोग एक सुरंग बनाना शुरू करते हैं और जब भी मारवा आती है इनका रिहर्सल देखने तब ये लोग तानपुरा लेकर शुरू हो जाते हैं। पूरा दिन जब खुदाई करने के बाद इनके पास मिट्टी जमा हो जाती है तो ये लोग बड़े बड़े बैग्स में उस मिट्टी को डालकर एक पुल पर ले जाते हैं और वहाँ से एक कचरा ले जाती हुई नाव पर फेंक देते हैं। फिल्म की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है। इन लोगों का काम बड़े आराम से होता जा रहा होता है। सुरंग लगभग पूरी बनने ही वाली होती है, पर कहानी में मोड़ आना तो लाजमी है और पहला ही मोड़ तब आता है जब गेविन अपने कसिनो में एक लड़की से छेड़छाड़ करता है और अपनी नौकरी खो बैठता है। प्रोफेसर और उनकी पूरी गैंग टेंशन में आ जाती है। ये लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। यहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम माउंटेन गर्ल है और ये माउंटेन गर्ल गार्थ की गर्लफ्रेंड होती है। ये देख गेविन इस कपल का मजाक बनाने लगता है और ये मजाक बहुत ही जल्द एक लड़ाई में बदल जाता है। गेविन तो अपनी हैंड गन तक निकाल लेता है। किसी तरह से इनका झगड़ा शांत किया जाता है। प्रोफेसर अपनी प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं। ये प्रॉब्लम गेविन की वजह से आई होती है। तभी लंप जो हमेशा चुपचाप रहता है कि वो कहता है कि हम लोग गेविन के मैनेजर को रिश्वत क्यों नहीं दे सकते। ये सुनकर प्रोफेसर का लुक देखने वाला होता है। जहाँ वो खुद को इतना मास्टरमाइंड समझते हैं वहीं वो इतनी छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए। अगले ही सीन में गेविन कसिनो में होता है। वो अपने मैनेजर से माफ़ी मांगता है और साथ ही रिश्वत देकर अपनी नौकरी वापस ले लेता है।
आगे हमें ये पता चलता है कि इन लोगों को सुरंग में एक एक्सप्लोजन करना होगा ताकि इनकी ये प्लानिंग पूरी हो सके। इस एक्सप्लोजन को टेस्ट करने का काम गार्थ का होता है, और जैसा कि हमको पता है कि एक्सप्लोजन से आवाज़ तो होगी, और घर में मार्वा मंसन भी तो है, तो इसलिए प्रोफेसर बड़ी चालाकी से उन्हें एक प्ले की दो टिकटें देते हैं ताकि वो घर से कुछ देर के लिए बाहर रहें। प्रोफेसर एक अच्छा मौका देखकर शो के टिकट्स मार्वा को देते हैं। मार्वा प्रोफेसर के इस जेस्चर से काफ़ी खुश होती है कि तभी दरवाजे पर कोई आता है। जब मार्वा दरवाज़ा खोलती है तब वो उसी पुलिस ऑफिसर को देखती है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। यह ऑफिसर मार्वा को जानता है और वो बस उनका हालचाल पूछने के लिए कभी कभी घर पर आ जाता है। मार्वा पुलिस वाले को अंदर ले आती है ताकि वो हॉल में बैठे प्रोफेसर से उनकी मुलाकात करवा सके, पर हमारे प्रोफेसर पुलिस का नाम सुनते ही अपने रूम में जाकर बेड के नीचे घुस जाते हैं। मार्वा और वो ऑफिसर रूम में भी जाते हैं। प्रोफेसर तो चुपचाप छिपे होते हैं, पर मार्वा उन्हें बेड से बाहर आने के लिए कह रही होती है। अब आते हैं पुलिस ऑफिसर पर, जो मार्वा की इन सारी बातों को एक कहानी समझता है। उसे लग रहा होता है कि मार्वा मंसन तो बूढ़ी हो चुकी है और इसी कारण वो हर वक्त झूठ मूठ की कहानियाँ बनाती रहती है। एनीवे, मार्वा ऑफिसर के जाने के बाद प्रोफेसर से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। प्रोफेसर हंसकर इस बात को टाल देते हैं। अगली रात मार्वा और उनकी फ्रेंड प्ले के लिए जा रही होती है, वहीं दूसरी ओर गार्ड्स बॉम्ब पर टेस्ट कर रहा होता है कि तभी वो बॉम्ब फट जाता है। बाहर प्रोफेसर मार्वा को कह देता है कि ये शायद भूकंप की वजह से हुआ होगा, पर जब प्रोफेसर घर पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि गार्थ अपना एक अंगूठा ही खो चुका होता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। खैर, अगली सुबह जब मार्वा चर्च में होती है तब ये लोग कैसीनो में घुस जाते हैं छेद करके और सारा पैसा वापस निकाल लाते हैं वहाँ से। पर इनकी सारी प्लानिंग में गड़बड़ तब हो जाती है जब वो एक्सप्लोजन नहीं होता जो इस सुरंग को वापस मलबे में बदलने वाला होता है। गार्थ इस एक्सप्लोजन को शुरू करने के लिए वापस सुरंग में जाता है। बॉम्ब का टाइमर अचानक शुरू हो जाता है। गार्थ बड़ी तेजी से वापस आता है। वहीं दूसरी ओर मार्वा चर्च से घर आ रही होती है। वो इसलिए आज जल्दी घर आ रही होती है क्योंकि उन्होंने अपने दोस्तों से ये कहा है कि उनके घर में रहने वाले प्रोफेसर आज उन्हें एक बढ़िया म्यूज़िक सुनाने वाले होते हैं। वापस आते हैं गार्द पर, जो मरते मरते बच जाता है। इस एक्सप्लोजन को होते हुए मार्वा देख लेती है और वो उन पैसों को भी देख लेती है जो ये लोग कैसीनो से चुरा कर लाए होते हैं। मार्वा मंसन इन्हें कुछ बोले उससे पहले ही घर के दरवाजे पर कोई आ जाता है। दरअसल मार्वा ने जिन दोस्तों को म्यूजिक सुनने के लिए बुलाया था वो लोग आ चुके होते हैं। मार्वा वापस बेसमेंट में जाती है और प्रोफेसर को कहती है कि अभी तुम लोग ऊपर आओ और अपना म्यूजिक प्ले करो, उसके बाद मुझे इन सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन चाहिए। ये सारे लोग ऊपर जाते हैं, पर चूंकि ये लोग म्यूजिशियन तो है नहीं, ये लोग तो चोर हैं। प्रोफेसर आगे आते हैं और कहते हैं कि आज हम लोग हमारे इंस्ट्रूमेंट्स लाना भूल गए हैं, पर प्रोफेसर अपनी एक कमाल की पोएम सुनाकर सबको इम्प्रेस कर लेते हैं। सबके जाने के बाद मार्वा इन लोगों की क्लास लेना शुरू करती है। लंप और गार तो किचन में घुस जाते हैं और बर्तन धोने लग रहे होते हैं। एक्चुअली अब ये लोग मार्वा को मस्का लगा रहे होते हैं। प्रोफेसर मार्वा से कहते हैं कि एक दिन प्रैक्टिस करते टाइम लंब को एक आर्टिफैक्ट मिला था। आर्टिफैक्ट का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो पुरानी हो और कीमती हो। आगे प्रोफेसर ये भी बताते कि हम लोग लंब से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए इस बेचारे को खुश करने के लिए हमने खुदाई शुरू कर दी। खुदाई करते करते हम एक गैस पाइप से टकरा गए और वो एक्सप्लोजन हो गया। मार्वा छूटते ही पूछती है कि उन पैसों का क्या जो हर जगह बिखरे पड़े थे। प्रोफेसर के पास इसका जवाब भी है। वो गार्थ का नाम जोड़ते हुए बताते हैं कि इस बेचारे ने अपना घर गिरवी रख दिया है ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड का इलाज करवा सके। मार्वा इन जवाबों को सुनकर खुश नहीं होती। वो कहती है कि मैं पुलिस को बुलाने जा रही हूँ। प्रोफेसर पुलिस का नाम सुनते ही झटपटा जाते हैं और वो मार्वा को प्राइवेट में ले जाकर सच बताने लगते हैं। वो सब कुछ बता देते हैं कि कैसे वो लोग म्यूजिशियन ना होकर क्रिमिनल्स हैं, कैसे उन लोगों ने सुरंग बनाई ताकि वो कैसीनो में चोरी कर पाए। पर प्रोफेसर इस पूरी बात में कैसीनो को एक विलन की तरह दिखाते हैं। उनकी बातें ऐसी होती है जो कैसीनो को लोगों का खून चूसने वाला बिजनेस बताती हैं, जो कि असल में सच भी है। आगे प्रोफेसर ये भी कहते हैं कि उनकी पूरी गैंग अपने अपने हिस्से से कुछ पैसा डोनेट करेगी उस यूनिवर्सिटी में जो मार्वा के दिल के बहुत करीब है।
इस ऑफर को सुनकर कुछ देर के लिए मारवा का दिल पिघल जाता है, पर उनकी खुददारी बीच में आ जाती है। वो प्रोफेसर के इस ऑफर को मना कर देती है। अब मारवा प्रोफेसर को एक ऑफर देती है। वो ऑफर ये होता है कि इन लोगों को पूरा पैसा वापस देना होगा और मारवा की तरह उन्हें भी चर्च जाना होगा। प्रोफेसर सोचने के लिए कुछ समय मांगते हैं और अपनी गैंग के साथ बेसमेंट में चले जाते हैं। अब करे तो करे क्या, प्रोफेसर ये काम नहीं करना चाहते, पर अब करना ही होगा। ये काम है मारवा मनसन का खून। अब बात आती है कि ये मर्डर करेगा कौन। इसके लिए ये लोग लॉटरी निकालते हैं। इस लॉटरी में अनलकी होता है गैविन, यानी कि गैविन को अपनी हैंडगन से मारवा की हत्या करनी होगी। गैविन हिचकिचाते हुए ऊपर जाता है, पर वो एक काम कर नहीं पाता क्योंकि उस बेचारे को अपनी माँ दिख जाती है मारवा के अंदर। गैविन इमोशनल होकर वापस लौट आता है। गार्थ ये जानकर गुस्सा होता है कि गैविन ने अपना काम नहीं किया। ये दोनों आपस में ही भिड़ जाते हैं और गलती से गन चल जाती है। गन से निकली बुलेट लगती है गैविन को, जो स्पॉट पे ही मारा जाता है, यानी कि पहला शिकारी खुद ही शिकार बन गया। अब बात करते हैं गार्थ की, जिसने अपने ही एक साथी को मार दिया होता है, पर उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले तो वो एक क्रिमिनल है, दूसरा वो प्रोफेसर से अपने हिस्सा बढ़ाने के चक्कर में गैविन से पहले भी लड़ चुका होता है। गार्थ को छोड़कर बचे हुए मेंबर्स छुपते छुपाते गैविन की लाश को ब्रिज पर ले जाते हैं और गार्बेज वाली बोट में डाल देते हैं। जब ये लोग वापस बेसमेंट में आते हैं तो प्रोफेसर पाते हैं कि गार्थ ने दो बड़े बैग्स में कुछ रखा हुआ है और वो बाहर की तरफ जा रहा होता है। बाद में इन्हें पता चलता है कि गार्थ ने सारे पैसे चुरा लिए और घर के बाहर माउंटेन गर्ल भी है जो गार्थ की मदद कर रही होती है। इससे पहले कि ये दोनों भाग जाए पैसों के साथ, जनरल वहां पर आ जाते हैं और गार्थ का गला एक वायर से दबाकर उसे मार देते हैं। साथ ही माउंटेन गर्ल भी मारी जाती है और जो हाल गैविन की लाश का हुआ था वही हाल गार्थ और उसकी गर्लफ्रेंड का भी होता है। अब बच जाते हैं प्रोफेसर, लंप और जनरल, जो मारवा मनसन का काम तमाम करने वाले होते हैं। जनरल खुद से ही आगे आते हैं और सोते हुए मारवा को मारने जाते हैं, पर सीढ़ियों पर पैर फिसलने के कारण गिर जाते हैं और सर पर चोट लगते ही वो वहीं पर मारे जाते हैं। प्रोफेसर और लंप ब्रिज पर जाते हैं और जनरल की बॉडी को भी डंप कर देते हैं। प्रोफेसर वही गन निकालते हैं जो कभी गैविन के हाथों में हुआ करती थी। ये गन लंप को थमाकर वो कहते हैं कि जाओ और अधूरा काम पूरा करो, पर लंप थोड़ा सॉफ्ट है, वो मारवा मनसन को नहीं मारना चाहता और साथ ही वो ये जाहिर भी कर देता है कि प्रोफेसर को वो ये काम नहीं करने देगा। लंप प्रोफेसर को गोली मारता है पर गन खाली होती है। वो गन का मुंह अपनी तरफ करता है और फिर से ट्रिगर दबाता है, पर इस बार बुलेट बाहर आ जाती है और लंप भी मारा जाता है। प्रोफेसर इस बात से खुश होने जा ही रहे होते हैं कि अब सारा पैसा उनका होगा, पर इससे पहले ही उनके सिर पर एक मूर्ति का भारी हिस्सा गिर जाता है। प्रोफेसर की बॉडी ब्रिज पर झूल जाती है, उन्हें उसी वक्त फांसी लग जाती है। इस फिल्म में जो शिकारी थे वो खुद ही शिकार बन गए। मारवा अगले दिन देखती है कि घर में कोई नहीं है, बेसमेंट में ढेर सारा पैसा पड़ा होता है। वो पुलिस स्टेशन में जाती है और सब कुछ सही बता देती है। वहीं दूसरी ओर पुलिस वाले इनकी हर बात को एक कहानी समझते हैं और वो बातों बातों में ये कह देते हैं कि आप ये सारा पैसा डोनेट क्यों नहीं कर देती। मारवा ये बात सुनकर खुश होती है क्योंकि पुलिस से ही अब तो उन्हें परमिशन मिल गई है। वो सारा पैसा उनकी मनपसंद यूनिवर्सिटी में डोनेट कराती हैं और यहीं पर ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों यही था ये वीडियो। आपको मेरा काम कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, जैसा भी लगा हो नीचे मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट फ्राइडे एक नई मूवी के साथ।